7:30 बजे लाइट्स ऑन होंगी और उसमें फिर रात में एक अलग व्यू आता है इसका। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो टिकट मैंने ले लिया अभी, तो अब मैं जा रहा हूँ उस तरफ। Alright, so cloud forest is the one where I should go first. Flower dome पे काफ़ी rush लगा हुआ है, काफ़ी लोग वहाँ जा रहे हैं और इधर कम लोग जा रहे हैं। Cloud forest. ये भी एक लैंडमार्क है यहाँ का, सो आई वॉन्ट टू डू इट प्रॉपरली, यू नो। फॉरेस्ट करना पड़ेगा, इट्स लाइक दिस। वो यहाँ तो एयर कंडीशनिंग ऑन है, यहाँ तो सर्दी लग रही है अंदर आके, माहौल ही कुछ और बना हुआ है यहाँ तो। ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग। वेलकम टू द कूल मिस्टीरियस क्लाउड फॉरेस्ट, लुक एट दिस। There is a reason why it's very popular all over the world, and you can see that this is the reason. Look at this beast. Looks real. यहाँ पे लोग तस्वीरें ले रहे हैं, दुनिया से बेखबर।
आगे पीछे देखे बगैर खुद को एडजस्ट करते हैं हम। और अजीब सी चीज़ है, कुछ पता नहीं होता सेल्फी लेने में और पिक्चर्स लेने में इतने मसरूफ़ होते हैं, दुनिया जहान से बेखबर, इसीलिए अक्सर जगहों पे इंसिडेंट होते हैं कि लोग कभी क्लिफ से गिर जाते हैं, कभी कहीं पिक्चर्स के लिए। और पिक्चर्स वो उन चीज़ों की ले रहे हैं जो गूगल पे ऑलरेडी मिलियंस एंड मिलियंस की क्वांटिटी में अवेलेबल है। सो डजंट मेक एनी सेंस टू मी, लुक एट दिस। और मुझे जाना है वहाँ ऊपर और उस पर बेसिकली वॉक होनी है। अभी ये अभी डे व्यू है, अभी रात में इसमें लाइट्स भी ऑन होंगी। Alright, it's great. So ये अभी क्लाउड फॉरेस्ट है, ऊपर जाके ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ की नस्बत। Let's see, जहाँ लोगों को पौधे नज़र आए और लोगों ने तस्वीरें खिंचाना शुरू कर दी विदाउट इवन नोइंग के किसी मॉल में चले जाएं, ये इनको पौधे मिल जाएंगे, तस्वीरें खिंचवा लें, इडियट्स। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मॉइस्ट यहाँ पे, एज यू कैन सी, ये हॉट स्प्रिंग का इन्होंने दिया हुआ है। लिफ्ट से हम ऊपर आए अभी और बंदा वाला पागल ऊपर जाना है इसे। यहाँ तो और ठंडक बढ़ गई। समझ में ये नहीं आ रहा कि इतने बड़ी एरिया को उन्होंने एयर कंडीशन कैसे किया है।
very much like Universal Studio kind of setup. लोग पागल हुए हैं पिक्चर्स बनाने में इस वक्त. और क्लाउड वॉक स्टार्ट होती है यहाँ से. कितने खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है. नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए. आई थिंक दैट वाज द हाईएस्ट वी हैव. इतना बड़ा नहीं है जितना मैं सोच रहा था. ऐसा नहीं है कि कोई एक घंटा लगेगा इसमें. अच्छा, बहुत खूबसूरत बना हुआ है. और सामने वो यूनिवर्सल स्टूडियो जहाँ पे मैं कल गया हुआ था. यू कैन सी बहुत ज़बरदस्त है. ये नीचे वेव्स. अब
मसला यहाँ पे ये हो गया है कि ये लोग इसको यूज़ कर रहे हैं टिकट को। अगर मैं यहाँ पे एग्ज़िट करता हूँ तो फिर मैं दोबारा अंदर नहीं आ सकूँगा आफ्टर सनसेट, और अगर मैं अभी एग्ज़िट नहीं करता हूँ तो मैं फ़्लावर डोम को देख नहीं पाऊँगा सनसेट से पहले। सो इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन।